Well, good morning, good afternoon, good evening, my dear friends. Welcome to my channel, The Warning Man Abroad, and this is another video on Thailand. और ये जो वीडियो है थोड़ी हटके है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने चाहते हैं इन्वेस्टर वीज़ास के बारे में, इन्वेस्टमेंट वीज़ा के बारे में बात करेंगे. और वैसे मैं अपने चैनल के थ्रू टूरिज्म अपडेट्स और टूरिज्म रिलेटेड कॉन्टेंट, व्लॉग्स वगैरह शेयर करता हूँ, एंड दिस इज समथिंग ऑफ द ट्रैक फॉर मी. लेकिन इस वीडियो में आई ट्राई टू जस्टिफाई दिस वीडियो, और जो भी इन्फॉर्मेशन नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ. अगर आप एक इन्वेस्टर हैं इंडिया से, आप यू विलिंग टू ट्रैवल सेटल डाउन देयर, और कोई भी रीज़न है आपके पास. लेकिन इसके अंदर क्या है कि इन्वेस्टमेंट वीज़ा के अंदर बेसिकली ये उन लोगों के लिए जो थाई इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं थाई इकोनॉमी में, ठीक है, फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट आप ये कह सकते हैं कि थाई इकोनॉमी में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्रॉफिट देखते हैं आगे आने वाले टाइम में. और ये जो इन्वेस्टर वीज़ाज हैं ये काफ़ी किस्म के हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन काफ़ी लिमिटेड लोगों के लिए होते हैं, सबके लिए नहीं होते, ठीक है. जो भी आदमी जिसके पास 10 मिलियन भाट है एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना चाहता है थाईलैंड में, उसके लिए पहली चीज़. और ये जो वीज़ाज हैं, इन्वेस्टर वीज़ाज हैं, ये बेसिकली उन एज ग्रुप के लिए जो लोग 50 साल के नीचे के, मतलब कि 45-50 साल के बीच में, या तो वो लोग लेते हैं ये वीज़ा. और जो लोग 50 साल से ऊपर के हैं वो रिटायरमेंट वीज़ा भी ले सकते हैं, वो भी सिमिलर चीज़ है, वो भी इन्वेस्टमेंट वीज़ा ही है, लेकिन रिटायरमेंट वीज़ा है आप उसे कह सकते हैं. अब इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए थाईलैंड में रहना चाहते हैं तो ये वीज़ा आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, ओके. लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ रहेंगे तो आपको वर्क परमिट की भी ज़रूरत पड़ेगी थोड़े टाइम के बाद. तो वर्क परमिट इसमें मैं ये कहूँगा कि मैंडेटरी है, सॉर्ट ऑफ. तीसरी चीज़ ये है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं इन्वेस्टर्स के, वो भी उनके साथ वहाँ जाके स्टे कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना. उनको बस ये प्रूफ एक देना पड़ता है यहाँ पे कि वो इन्वेस्टर के फैमिली मेंबर्स हैं और वो इसलिए वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं. तो ये इन्वेस्टमेंट वीज़ाज हैं क्या बेसिकली, अगर इसको मैं डिस्क्राइब करूँ अच्छे से, तो वही फॉरनर जैसे हम पहले बात करते हैं जिनके पास 10 मिलियन है, उससे ऊपर का अमाउंट है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं थाईलैंड में, उनको एक्चुअली एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा भी लेना पड़ता है, जो कि एक अपने आप में वास्ट टॉपिक है और बहुत मुश्किल चीज़ है वो, ठीक है. यहाँ पे जो आपका नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं हर एक साल के बाद, आपके पास ऑप्शन होता है. ये क्लॉज इन्होंने लॉन्च किया था, आई थिंक इफ़ आई कैन रिकॉल 2014 के आसपास ये इन्होंने किया था. और जैसे मैंने आपको बताया कि 10 मिलियन की आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट. पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ तो आप कॉन्डो खरीद लें, वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद लें जो कि 10 मिलियन की उसकी वर्थ है, वैल्यू है, वैल्यू है उसकी. और यहाँ तो आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं. तीसरा ये है कि आप थाई बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट भी दिखा सकते हैं. ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है. और ऐसा नहीं है कि इन तीनों के अंदर ही आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है, और भी वैरायटी ऑफ एसेट्स हैं जिनके अंदर आप कर सकते हैं इन्वेस्ट. ये आपको बाद में पता लगेगा अगर आप किसी कंसल्टेंट को कंसल्ट करते हैं इस चीज़ के रिलेटेड, ओके. अब यहाँ पे फैमिली मेंबर्स भी जो हैं, उनके जो बच्चे हैं, स्पाउस हैं, वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए. अब किस तरीके से इस इन्वेस्टमेंट वीज़ा को प्रिक्योर करना होता है, तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे क्या कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी बी जो होता है वो आपको लेना पड़ता है, वो आप एम्बेसी के थ्रू जाके अप्लाई करते हैं. अगर मैं इंडिया की बात करूँ, आई थिंक VFS थाईलैंड जो है वो मुझे स्पॉन्सर नहीं करते, मैं हर वीडियो में कहता हूँ VFS. तो बेसिकली क्या है कि वो वीज़ा कंपनी है, वो किस्म के वीज़ा जो है आपको प्रोवाइड करती है, काफ़ी कंट्रीज़ की भी करती है, राइट, आपको पता होगा. तो उनके पास आई थिंक एक उनकी साइट पर आप जाएंगे तो आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने सुनने को मिल सकती है. तो वैसे ये जो फॉर्म होता है ना, जो बी कैटेगरी का जो नॉन इमिग्रेंट फॉर्म है, ये बहुत रेयर है. तो वैसे मतलब क्या है कि अगर आपकी कंट्री में VFS जैसी कोई कंपनी नहीं है, तो आपको थाई एम्बेसी विजिट करना पड़ेगा इसके लिए और इस फॉर्म को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है. अब आपको रीज़न क्या देना है इस वीज़ा के लिए, कि ये रीज़न नहीं है आपका कि आप थाईलैंड में काम करना चाहते हैं, आपका रीज़न एक्चुअली है कि आप यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन थाईलैंड, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा बी कैटेगरी का मिलना चाहिए, जिसके पर्पस बेसिस पे आप थाईलैंड में काम भी कर सकते हैं, ओके. तो यहाँ पे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जो है पहली चीज़ है. और जैसे मैंने बताया, इस फॉर्म की किल्लत भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है
थाई एम्बेसी के पास रेडीली अवेलेबल हो, लेकिन अगर कुछ बीच में कंसल्टेंट्स हैं, वीज़ा कंपनीज हैं, तो वो आपका काम यहाँ पे आसान कर सकती हैं। अब क्या है कि इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए आपको एक चीज़ और दिखानी है कि आपने प्रीवियसली मतलब पास्ट में कभी थाईलैंड में इन्वेस्ट भी किया था। तो जब आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं नॉन इमिग्रेंट वीज़ास के केस में, तो वहाँ पे आपको पासपोर्ट अपना दिखाना होता है, डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करना होता है, बैंक स्टेटमेंट आपको लगानी पड़ती है, और जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी थाईलैंड में उसका भी प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है बिफोर यू अप्लाई फॉर दिस नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी बी वीज़ा। ओके, और अगर आपको एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप जो लोकल इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ जाके, जैसे मैंने बताया, जो डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए, जैसे पासपोर्ट हो गया आपका, जो प्रूफ है इन्वेस्टमेंट का वो लगा दीजिए आप, ठीक है ना। तो वो दिखा के, कुछ तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखा के आप एक्सटेंशन यहाँ पे ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस के अंदर जब आप थाईलैंड में हो तो इमिग्रेशन ऑफिसर को इसके बारे में कोई आइडिया ना हो, नॉलेज ना हो, लेकिन फिर भी आप जो है अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे लेते हैं और उसको प्रूफ करते हैं कि ये रीज़न है कि आपको अपना जो स्टे है एक्सटेंड करना है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के थ्रू, तो आपको ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिनकी हमने बात की ये दिखाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट्स दिखानी पड़ेंगी, या तो आप कॉन्डो ले लीजिए या आप थाई बैंक अकाउंट में अपना फिक्स डिपॉजिट दिखा दीजिए, मतलब कि वो मिनिमम जो है आपका 10 मिलियन थाई बाट का होना चाहिए, उससे ज़्यादा है अच्छी बात है, लेकिन उतना होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। आपको जो आपका जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है वो आपका एक्सटेंड नहीं होगा, या आपको इशू नहीं किया जाएगा, एक्सटेंड नहीं होगा। तो ये इतना जो मिनिमम बैलेंस है, आपने या तो उसकी प्रॉपर्टी लेनी है या फिक्स डिपॉजिट दिखाने, या आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ले सकते हैं, ठीक है ना। और फिक्स डिपॉजिट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ थोड़ी सी, तो इसके अंदर क्या है कि ये एक और डिफ़िकल्ट चीज़ है, मतलब थाईलैंड में एक अपना बैंक अकाउंट खोलना एक और डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि ये ज़्यादातर वो लोग कर पाते हैं जो वर्क परमिट होल्डर्स हैं या ऑलरेडी जिनके पास नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप फिर भी अकाउंट खोलते हैं या आपको अकाउंट खोलने का मौका मिलता है, तो आपको एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी, जिस बैंक में आप इन्वेस्ट करने लगे हैं या फिक्स डिपॉजिट्स कराने लगे हैं उसके अंदर जो 50% शेयर है वो होना चाहिए थाईस का, लोकल थाई पॉपुलेशन का, ठीक है। और देन यू क्वालिफाई फॉर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, तो वो भी चीज़ आपको चेक करनी है कि जिस बैंक के थ्रू आप अप्लाई करने लगे उसमें 51% शेयर किन का है, कहीं फॉरन की इन्वेस्टमेंट आ रही है वहाँ पे, या वो थाईलैंड की अपनी इन्वेस्टमेंट है, थाईस की इन्वेस्टमेंट है। अब आपको क्या है कि वो फिक्स डिपॉजिट इंटैक्ट रखनी पड़ेगी, उस पैसे को आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि 10 मिलियन भाट आपके अकाउंट में हर वक्त होना चाहिए, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में हो। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप अपना जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है उससे अगले आने वाले एक साल के लिए एक्सटेंड नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन की करने लगे हैं, तो 10 मिलियन आपकी जेब से गए, वो आपको देने ही पड़ेंगे, उसके बेसिस पे ही आपका एक्सटेंशन होगा, कंट्री में स्टे हो सकता है, क्योंकि आपको वहाँ काम भी करना, तो आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। फिर दूसरा है क्राइटेरिया बाइंग अ कॉन्डो, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि 10 मिलियन की आपको प्रॉपर्टी दिखानी है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, वर्थ होनी चाहिए उसकी, पहली चीज़। अब फॉर इंस्टेंस अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि आपने 11 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी, तो वहाँ पे क्या है, जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड है वो आपका, इनफैक्ट 11 मिलियन की प्रॉपर्टी को वो दिखाएंगे, डिक्लेयर करेंगे 9 मिलियन की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। मतलब कि आपने तो इन्वेस्ट कर दिया 11 मिलियन और वो दिखा रहे हैं आगे कि आपने 9 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। ऐसा क्यों है, टैक्सेस हो सकते हैं, कुछ खर्चे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो 11 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है थोड़ी नीचे चली जाए। तो पहली चीज़ तो ये टिप तो ये है कि 11 मिलियन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा हायर साइड पे पहली चीज़ तो इन्वेस्ट आप अमाउंट लेके चले, मतलब 12-13 मिलियन तक आप लेके चले, राइट। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा आपका इस केस के अंदर फिर एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। वो क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने तो 11 मिलियन इन्वेस्ट किए थे लेकिन उन्होंने दिखाई प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की ये 9 मिलियन की प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या है कि आपको डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ लैंड से बात करनी पड़ेगी, वहाँ उनको बोलना, उनसे वैल्यूएशन करानी पड़ेगी प्रॉपर्टी की, आपने प्रॉपर्टी 11 मिलियन की ली थी, वो ठीक है, अलग बात है कि टैक्सेस पड़ गए या आपके और खर्चे उसमें उन्होंने शो कर दिए जिसकी वजह से 9 मिलियन की रह गई प्रॉपर्टी। तो आपको वो एक टैक्स रिसीट जो है बना के देंगे, वो टैक्स रिसीट लेके आपको जब आप अपना नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एक्सटेंड करने जाएंगे, वो आपको टैक्स रिसीट और डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा के दिखानी पड़ेगी कि आपने प्रॉपर्टी 10 मिलियन की ली थी या 11 मिलियन की ली थी या 12 की ली थी, लेकिन उन्होंने दिखाई कितने की,
10 मिलियन से कम, 9 मिलियन, 8 मिलियन की दिखा दी, जो भी रीजन है अकॉर्डिंगली, आपको कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन उन्हीं से करवानी पड़ेगी जब आप प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, और आपको टैक्स रिसीट उनसे लेनी पड़ेगी, तभी आप अपने इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको लगाएंगे और आपका वीजा एक्सटेंड होगा, नहीं तो नहीं होगा. ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप कॉन्डो खरीदते भी हैं तो वो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. पहली चीज तो यह है कि उस प्रॉपर्टी को आपको कुछ पीरियड के लिए होल्ड करना पड़ता है, तो मतलब कि 3 साल मिनिमम, 5 साल के लिए आपको इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा. कहने का मतलब यह है बेसिकली कि पहली चीज तो यह है कि अगर आप प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं कुछ टाइम के लिए, 3 साल 5 साल के, तो काफी आपका प्रोफाइल जो है स्ट्रांग हो जाएगा उस केस के अंदर. और दूसरी चीज ये है कि खासकर जब आप एक फॉरेन लैंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप जहां पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो बिल्डर कैसा है, ठीक है, और जो जो लैंड जिस पे बनाया गया, क्या ऑथराइज्ड लैंड है, क्या उनके पास लाइसेंस है उसको बनाने का उस लैंड पे, ठीक है, और कितनी लीज है उस लैंड की, ये सब चीज़ें आपको इवेल्युएट करनी पड़ती है. लेकिन एक ये कंसल्टेंट के थ्रू ही हो सकता है. और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे कि जो भी आप जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा लेंगे और उसके बाद आप अपना स्टे एक्सटेंड कराएंगे वहाँ पे और पैसा भी लगाएंगे, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या है कि प्रॉपर्टी के केस के अंदर खासकर कि आपको नई प्रॉपर्टी या नए बिल्डर की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. पुरानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आई थिंक वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे. लेकिन ये एक चीज है, एक पॉइंट है कि आपको वहाँ पे नए प्रॉपर्टी पे, जहाँ पे भी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो भी मतलब बनी है प्रॉपर्टी या रेडी टू मूव है या नहीं है, आपको नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. कहने का मतलब है ये. ओके, तो मिनिमम आपको यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तो एक तो नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है और 3 साल या मिनिमम 3 साल और 5 साल के लिए आपको प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखना है, एंड दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द थाईलैंड गवर्नमेंट. और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स की या स्टेट ओन्ड कंपनी की मैं बात करूँ, अगर आप बॉन्ड खरीदते हैं, सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं वहाँ पे, तो उस केस के अंदर क्या है कि ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, बहुत जल्दी उड़ जाते हैं. मतलब ये सबको नहीं मिलते, और अगर आपको मिलेंगे भी तो पूरे नहीं मिलेंगे, कुछ लिमिटेड उसमें मिलेंगे. तो उस केस में क्या है कि जब भी ये इशू होते हैं तो आपको यहाँ तो अगर चांस अच्छा है, अगर आपको पता है तो आप कोशिश करें कि आप 10 मिलियन की ले सकें, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था. इस केस के अंदर क्या है कि आपको मल्टी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, मतलब मिक्स इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी. तो आप कुछ अमाउंट जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि मान लीजिए कि आपने 10 मिलियन लगाना है तो 5 मिलियन की आपने प्रॉपर्टी ले ली, 4 मिलियन आपके बॉन्ड्स ले लिए आपने, और 1 मिलियन के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट करा दिए. तो इस तरीके से आपको रखना पड़ता है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 10 मिलियन की प्रॉपर्टी, अगर उसकी वैल्यूएशन ही 9 मिलियन की रह गई, ठीक है, और मान लीजिए, चलिए वो तो ये ठीक है कि मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि ठीक है, अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं किसी इन्वेस्ट मतलब बिल्डर के थ्रू, और लैंड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उसकी वैल्यूएशन चलो जी 10-11 मिलियन की ना दिखा के 9 मिलियन दिखा रहा है, एक तो वो फैक्टर तो है ही. दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि अगर प्रॉपर्टी की कीमतें गिर गई कंट्री में, तो फिर क्या करेंगे आप? आपने खरीदा और खरीदने के बाद आपकी 10 मिलियन की प्रॉपर्टी 5 मिलियन की रह गई, तो क्या करेंगे? तो आपको काफ़ी फंड्स चाहिए इस काम के लिए, पहली चीज़ तो ये है. और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जो कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है वो दिखा सकते हैं. तो फिक्स डिपॉजिट ले सकते हैं आप, क्या बैंक अकाउंट में आप FDs करा दीजिए, जो आपको सेफ लगता है आप वो कीजिए, राइट. तो जो प्रॉपर्टी का खेल होता है बहुत ट्रिकी होता है अपने आप में, लेकिन ये जो ऑप्शंस है मैंने आपको बता दिया, क्या आपको करना चाहिए थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा इस वीडियो से. अब क्या आप परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं थाईलैंड के अंदर? किस बेसिस पे ले सकते हैं? ठीक है, ऐसा है कि उसके इसके अंदर 10 मिलियन भाट की इन्वेस्टमेंट तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके ऊपर एडिशनली आपको यहाँ पे, इफ़ आई एम राइट, आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं, या जो स्टेट इशूड सिक्योरिटीज़ होती हैं, स्टेट एंटरप्राइज सिक्योरिटीज़ होती हैं, उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना. तो उसके बेसिस पे आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है, फिर आपका ये झंझट जो है, जो ये आपकी प्रॉब्लम है वीज़ा को एक्सटेंड करने की, वो नहीं रहती. अब और किस किस्म के वीज़ाज़ हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो एक है इलीट वीज़ा. अब इलीट वीज़ा का टॉपिक जो है बहुत लंबा है, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी अगर मैं उस पर बोलने पर आया. तो बेसिकली उसका जो ड्रॉबैक है वो उसके बारे में आपसे बात कर देता हूँ. पहली बात तो ये है कि आप लीगली उस कंट्री में काम नहीं कर सकते अगर आप इलीट वीज़ा के थ्रू जा रहे हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस वीज़ा एज अ नोमैडिक वीज़ा, नोमैड वीज़ा,
कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आप अपना, अगर आप जॉब करते हैं इंडिया में करते हैं, कहीं और करते हैं अपनी कंट्री में करते हैं, या आप बिजनेस रन करते हैं अपनी कंट्री में, तो आप अपना बिजनेस या अपनी जॉब जो है थाईलैंड में रह के कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थाईलैंड में आप लीगली काम नहीं कर सकते, ये इसकी पहली प्रॉब्लम है। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने एडिशनली फैमिली मेम्बर्स को बुलाना चाहते हैं तो उसकी भी अलग से एडिशनल कॉस्ट होती है। तो ये दो चीज़ें जिसकी वजह से ली टू वीज़ा थोड़ा सा पीछे चला जाता है, लेकिन सम पीपल से दैट इट इज़ स्टिल बेटर देन दिस नॉन इमिग्रेंट B1 वीज़ा और द इन्वेस्टर वीज़ा। तो इसके बारे में हम कभी फिर बात कर सकते हैं, लीट वीज़ा का पूरा प्रोसेस डिस्कस कर सकते हैं। मतलब कि ये पिछले साल लॉन्च किया था इन्होंने, दोबारा से रीइंस्टेट किया था, और मैंने इस पर वीडियो इसलिए नहीं बनाई बिकॉज हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की या फाइनेंशियल टॉपिक्स पर नहीं बनाते। यूजुअली हम बनाते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म पे, या शॉर्ट टर्म विजिटर्स के लिए, या जो कुछ टाइम के लिए वहाँ जा रहे हैं। बट एनीवेज, आई विल कीप दैट इन माइंड, किसी वीडियो के अंदर मैं एलीट वीज़ा को भी कवर कर दूंगा डिटेल के अंदर। खैर, बस इतनी सी बात करनी थी मुझे इस इन्वेस्टर वीज़ा के अंदर। ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। सी यू वंस अगेन, अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।